नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। तो आज तारीख है 7 अगस्त और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मार्केट आज ऑफ रहेगी क्योंकि सैटरडे है। तो बेसिकली समझना क्या है कि एक ऐसा शेयर है जिसमें मेरे को लगता है कि अब इसमें और गिरावट आएगी, मगर सही टाइम पे इसमें बाय करेंगे हम और अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, बाय करना है इस हफ्ते के अंदर से बाय करना है, फिर इसमें जितने भी अप ट्रेंड आएंगे उसमें अपने प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो ये कंपनी की मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, ये कंपनी का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। तो कंपनी का ये ऑनली वर्किंग क्या है ये समझ लेते हैं पहले। तो जितने भी कार्बन रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जैसे कि जो हमारे कैमरेज के ऊपर जितने ब्लैक ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ होता है वो कार्बन रिलेटेड होता है। रबड़ ब्लैक हो गई, ये फूड स्टेटमेंट में भी है, ये इंटीरियर करते हैं ब्लैक का। तो बेसिकली कार्बन का जो ब्लैक बनता है उसको ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, ये तो इनके प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं फिलिप्स कार्बन। तो बेसिकली मोटा मोटा ये हो गया इसका ये वर्किंग क्या है कि अच्छी क्वालिटी में कार्बन रिलेटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, और ये इनका कई जगह वेंचर में वर्किंग है। ये कंपनी देखिए, आप समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा आसपास आपके जितने मोस्ट ऑफ द चीज़ें मिलते हैं कार्बन की ब्लैक वाली, जो शायद फ्लिप्स का ही कोई ना कोई आपके आसपास कोई प्रोडक्ट हो उसमें से। तो ये कंपनी का ओवरव्यू हो गया, कंपनी वर्किंग किस में करती है, कंपनी फिलिप्स कार्बन यानी कार्बन के अंदर ब्लैक ब्लैक कार्बन के अंदर डील करती है। तो ये तो ओवरव्यू हो गया कंपनी का। अब समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या सही समय इसमें इतनी गिरावट क्यों हो रही है, क्या सही समय इसमें बाय करने का, ये भी और समझ लेते हैं हम। तो ये मैं कंपनी मैं गूगल पर ओपन कर लिया फिलिप्स कार्बन का, फ्राइडे को यानी कल के दिन इसने क्या ट्रेड किया, ठीक है 6 अगस्त को, ये समझते हैं। देखिए ये ओपन होता है 255 रुपये पे, हाई मारता है 262 रुपये का, लो मारता है 254 रुपये का। ठीक है, इसका 52 हाई है 277 रुपये का और 52 लो है इसका 100 रुपये का। तो ये तो ओवरव्यू होगी कंपनी का। ठीक है, मैंने आपको बता दी कंपनी कब से है, कंपनी 1960 से इंडिया की, इंडिया रनिंग कंपनी 1960 से, रेवेन्यू अच्छा है। ठीक है, अब और समझते हैं, मैं आ गया स्कैनर की साइड पर। अभी देखिए स्कैनर की साइड पे मार्केट कैप कितना है इसका, 4,416 करोड़ रुपये का, 4,416 करोड़ रुपये का है। ठीक है, बुक वैल्यू भी सही है कंपनी की, ROE, ROCE भी सही है। ठीक है, डिविडेंड भी दिया है, फेस वैल्यू भी अच्छी है 2 रुपये की है। ठीक है, अब तो ये ओवरव्यू हो गया कंपनी का। अब समझते हैं कंपनी के और भी क्या फीचर्स है इसके अंदर। कंपनी हैज़ एक्सपर्ट टू गिव, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है कंपनी और डिविडेंड अच्छा दे रही है कंपनी। दो चीज़ तो कंपनी में अच्छे, कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है कंपनी, डिविडेंड अच्छे। अब समझते हैं कि भाई इसमें गिरावट की वजह भी क्यों है। देखिए इसमें लास्ट वीक इसका रिजल्ट आया था जून क्वार्टर का, तो जून क्वार्टर के अंदर इसने देखिए इसकी सेल्स देखिए, यानी कि पूरे सितंबर के वास्ते इसकी सेल्स बढ़ी है। ठीक है, एक्सपेंस इसके बढ़े हैं, सेल्स और एक्सपेंस दोनों बढ़े हैं। ठीक है, क्वार्टर को क्वार्टर देखेंगे, पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे, जून क्वार्टर 2020 के ईयर वी ईयर भी देखेंगे, तो भी इसकी सेल्स बढ़ी है, इसके एक्सपेंस भी बढ़े। बाकी इसका प्रॉफिट जो है ना मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में कम आया था 2021 के अंदर, बट ये देखिए यहाँ पे जून 2020 के अंदर ईयर वी ईयर चेक करेंगे तो भी इसमें प्रॉफिट है, यानी 70% का प्रॉफिट किया है इनने ईयर ईयर क्वार्टर रिजल्ट के अंदर। ठीक है, बाकी क्वार्टरली आप देखिए कि मार्च के अंदर इसका नेट प्रॉफिट आया था 186, इस बार क्वार्टर के तक यानी कि अराउंड 20 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम गया है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रॉफिट है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट करे, सेल्स देखिए सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के बेनिफिट क्या होता है, जब तक बिजनेस नहीं आएगा तो इनकम कहाँ से आएगी, प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो बेसिकली कंपनी का जो इनकम है यानी सेल्स अच्छी हुई है। तो ये तो हो गया ओवरव्यू, हो गया कि भाई क्वार्टरली इसका रिजल्ट आया था, बट लोगों ने समझा कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, कंपनी बेकार हो गई, कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए इसमें पैनिक हो गई, लोग सेलिंग करने लग गए इसके अंदर लास्ट मंथ वीक इसका जब रिजल्ट आया था। ठीक है, ये तो ओवरव्यू हो गया, ईयर ईयर वाई देख लेते हैं हम। ये देखिए ईयर ईयर वाई भी देखिए प्रॉफिट में कंपनी, ये तो लायबिलिटीज हो गई कैश फ्लो। चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये मैंने इसका कंपनी टिकट टेप की साइड ओपन कर लिया है, कॉमोडिटी केमिकल्स के अंदर डील करती है, ये भी एक स्टेक सेगमेंट है, नहीं तो 100% एलर्जर हमें बोले इसमें बाय करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए ईयर ईयर देखिए ये
पिछले ईयर से दिस ईयर 9% का प्रॉफिट दिया था, ठीक है। तो ये तो ईयर ईयर भाई हर ईयर ये प्रॉफिट मेकिंग चल रही है। अब फाइनेंशियली आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे, आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो के, बस गिरावट होगी इसमें और भी, तो मैं सही समय बताऊंगा आपको बाय करने का। तो ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर देख लिया वैसे, इस पर लायबिलिटी भी अच्छी है, ठीक है। ये नेट इनकम इसकी कितनी आई थी, इसमें देखिए 2020 के अंदर इसने 286 करोड़ का प्रॉफिट किया था। नेट इनकम इसने देखिए 313, यानी प्रॉफिट मेकिंग है, एवरी ईयर ग्रोथ कर रहा है, पिछले साल से इस बार ग्रोथ कर रहा है, EPS भी इसका बढ़ा था, तो ईयर ईयर वाई भी सही है कंपनी। अब समझते हैं असली वजह क्या है गिरावट की, चार्ट का अकॉर्डिंग क्या चल रहा है इसके अंदर। अब मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया है, अब डेली चार्ट में देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ से टॉप बनाता है, यानी रिजल्ट आता है 276 का टॉप बनाता है, यानी 52 हाई के बाद से गिरते ही जा रहा है। अभी इसमें और भी और गिरावट आएगी, अभी इसके अंदर गिरावट आएगी आपको 230 तक, 240 से लेके 230 के बीच में से गिरावट तक वेट करना है, फिर इसमें बाय करना है। 230 से लेके 240 के बीच में आपको बाय करना है, 230 से लेके 240 के बीच में आपको बाय करना है, क्योंकि डेली चार्ट पर अभी कहीं भी सपोर्ट, कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी और भी गिरावट आएगी। ये तो बस निफ्टी चाप हुई थी तो इस वजह से चाप हो गया, बाकी चार्ट के अंदर जो बता रहा है इसके अंदर और गिरावट आएगी। तो हमें अभी फिलिप्स कार्बन ब्लैक के अंदर वेट करना है, इसके अंदर यहाँ इस कैंडल पर सपोर्ट है, ये कैंडल कहाँ पर बनी है, इस कैंडल के अंदर इस कैंडल को बनने में 334 रुपये का बनी कैंडल है, 334 से अब ट्रेंड दिखाया है इसने। देखिए इसके बाद भी एक कैंडल बनी थी, वो बनी थी 330 के आसपास, ये देखिए। तो मैंने बताया 330 से लेके 340 के बीच में आपको और जितनी गिरावट मिलती है उस गिरावट के अंदर आपको बाय करना है, ठीक है। अभी इसमें बिल्कुल बाय नहीं करना है, ठीक है। 340 से लेके 230 से लेके 340 230 से लेके 240 के बीच में आपको गिरावट का वेट करना है, जब इसमें बाय करना है। तो इसमें जो पहला टारगेट आएगा 260 रुपये का, ठीक है, क्योंकि गिरावट आएगी, गिरावट के झट से बढ़ेगा, तो पहला टारगेट 260 का आएगा, दूसरा टारगेट 280 का, तीसरा टारगेट 300 रुपये का। इन तीन टारगेट का हमें बाय करना है, पेशेंस बने रहना है। देखो दोस्तों, अब इसमें गिरावट आएगी डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, ये वन मंथ से लेकर डेढ़ मंथ के अंदर सारे टारगेट अचीव होंगे, क्योंकि अभी इसमें कोई भी अप ट्रेंड नहीं है, इसमें ना तो RSI के अंदर आ रहा है, ना तो MACD किसी के अंदर अप ट्रेंड नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इसमें पेशेंस एंड वेट करना, वॉच लिस्ट में डालना इसको, अपने शेयर को समझना, क्योंकि देखिए मैं आपको शेयर दे रहा हूँ, यानी कि ये नहीं कि बाय करो, मैं गिरावट के साथ भी आपको समझा रहा हूँ कि गिरावट हो रही है, अभी इसमें और गिरावट होगी। तो इसमें हम 240 से लेकर 230 के बीच में वेट करेंगे, जब यहाँ पे सपोर्ट अच्छा होगा तो हम इसको बाय करेंगे, 230 तक 235 के बीच में हम बाय करें। तो इसमें पहला टारगेट 260 रुपये, दूसरा टारगेट 280, तीसरा टारगेट 300 रुपये का, क्योंकि इसमें ये चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है, इसमें अभी और भी अब ट्रेंड बाकी है। तो मैं वीकली चार्ट और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसका वीकली चार्ट पे इस वीक इसने अच्छी गिरावट करी है, बट ये कैंडल जो बनी हुई है इस कैंडल को नहीं तोड़ेगा वीकली, इसको 230 से नीचे नहीं जाएगा, ये 235 230 के बीच में आपको मिले, इसमें डेफिनेटली बाय करेंगे पहला टारगेट इसमें, क्योंकि देखिए अभी भी अप ट्रेंड है, यहाँ कहीं भी इस करेक्शन लेके अप ट्रेंड, फिर करेक्शन, फिर अप ट्रेंड, वीकली चार्ट पे कहीं भी कुछ नहीं है, बाकी करेक्शन अप ट्रेंड है। अब मंथली देख लेता हूँ मैं, क्योंकि एक से डेढ़ मंथ का मैं टारगेट दे रहा हूँ, ये देखिए मंथली, ये देखिए किस तरह से तेज़ी की तरफ भाग रहा है, यानी कि ये 120 से बाद ही रुका नहीं, अभी भी इसमें अभी और भी अप ट्रेंड है। तो ये करेक्शन हो रही है, इस करेक्शन के बाद, क्योंकि देखिए लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने से तेज़ी की तरफ है, अब तो इसमें करेक्शन बनती है। तो प्लीज़ इसमें 230 से लेकर 235 के बीच में आप बाय करेंगे, पहला टारगेट 260 का, दूसरा टारगेट 280 रुपये, तीसरा टारगेट 300 रुपये, इन टारगेट का बाय करें और पेशेंस बने रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।